हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें एक डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें कुछ मॉड में कुछ रिलेशन दिया हुआ है और फिर एफ डैश वन के बारे में, मतलब मॉड एफ डैश वन के बारे में आपसे कुछ आइडिया लिया जा रहा है कि क्या सही होगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिए। लेट ऑफ फंक्शन इज सेटिस्फाइंग मॉडुलस एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन का होल मॉड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, देन क्या सही होगा। और इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, मॉडुलस जो है ज़्यादा यूज हुआ है। जब मॉडुलस ज़्यादा यूज हुआ हो और डिफरेंस ज़्यादा क्या यूज हुआ हो, एक बार भी यूज होता है अगर मॉडुलस, और डिफरेंशिएशन की कोई बात हो रही है और ठीक है और कोई तरीका नहीं लग रहा है तो आप सीधा सीधा क्या करते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मॉडुलस का क्वेश्चन, मतलब मॉडुलस यूज हुआ हो किसी क्वेश्चन में और वहां पर डिफरेंशिएशन करना हो तो आप लोग सीधा सीधा क्या करते हो। हाँ, सीधा सीधा आप लोग तुरंत फर्स्ट प्रिंसिपल में चले जाते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना वो रुक नहीं सकता, मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही छोड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, जिसके बाद सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हों। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को हम लोग मदर कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। हर चैप्टर में देखो एक मदर कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एकदम बेसिक से जहां से स्टार्ट हो रहा है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम मदर कॉन्सेप्ट कहें तो उसी से तो सारे फार्मूले डेवलप होते हैं। अगर फार्मूले फेल हो रहे हों, तरीके और मेथड्स ट्रिक्स वगैरह सब फेल हो रहे हो, तुरंत चले जाओ फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के पास। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बड़ा मजेदार होता है, जब सारे तरीके फेल होते हैं, है ना, सारे फार्मूले वगैरह सब फेल होते हैं तो उस समय फर्स्ट प्रिंसिपल काम आता है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें कुछ करना है और एफ डैश वन के मॉड के वैल्यू के बारे में अंदाजा लगाना है और मॉडुलस में रिलेशन भी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, एफ डैश वन के बारे में पहले लिखते हैं। एफ डैश वन होता क्या है सबको पता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर, वो डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जाकर के देख लीजिएगा अगर जिनको डिटेल में पढ़ना हो। फिलहाल एफ डैश वन की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टर्निंग टू जीरो और एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस ऑफ एफ वन डिवाइड बाई एच। ठीक है, चलिए, तो एफ डैश वन की जो वैल्यू होती है वो ये है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो वन पर जो है डेरिवेटिव ऐसे डिफाइंड है, मतलब मॉडुलस के अंदर ये आ जाना चाहिए। ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ना एफ डैश वन इतना सा, वो वास्तव में ये पूरा मॉड के अंदर, और इसका यूज करके पता नहीं क्या है। अब इसमें क्या करें कि वहां तक पहुंचे, अरे यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं है। मॉडुलस एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ये लिखा हुआ है और एफ डैश वन के बारे में आइडिया लगाना है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे। तो एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं एक्स की जगह पर यहां पर वन प्लस एच रख दूं, देखो हमें कुछ करके ना मॉड के अंदर यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें अगर हम एक्स की जगह पर अगर मैं वन प्लस एच रख दूं, ठीक है, एक्स जगह पर क्या रख रहा हूं, वन प्लस एच, तो कितना आएगा जरा देखो, वन प्लस एच और लेस देन ई टू द पावर वन प्लस एच माइनस वन यही बनेगा। अब भाई वहां तक पहुंचना था, यहां तक पहुंचना है तो हमारे हम लोग के दिमाग में आ रहा है x बराबर 1 प्लस h रख दिया जाए, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और ये बन रहा है कितना, मॉड 1 प्लस h और लेस देन e टू द पावर h माइनस 1। अच्छी बात है, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, यहां पर माइनस f1 कैसे आएगा यार, अगर माइनस f1 आ जाए तो बात बन जाए। तो ये f1 कैसे आएगा यहां पे, तो चलो फिर से ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ना इसी को देखना बेटा, और कहीं नहीं देखना है। जब दिमाग खराब हो इसी में जाना है, क्योंकि यही एग्जामिनर ने दे रखा है कि भैया यहां से स्टार्ट करो, यहीं से आगे बढ़ो। तो अब एफ वन कैसे निकले, चलो एक बार एक काम करते हैं, इसमें एक्स बराबर वन ही रख के देख लेते हैं क्या होता है। एफ वन का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ई टू द पावर वन माइनस वन माइनस वन, ये ई टू द पावर जीरो वन वन माइनस वन जीरो, ऐसा आ रहा है। एफ वन का होल मॉड लेस देन और इक्वल टू जीरो, F1 का होल मॉड लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ये कुछ समझ में आ रहा है। F1 का होल मॉड इज लेस देन जीरो, अरे किस चीज का, किसी भी चीज का मॉड जीरो से कम तो होता नहीं है, जीरो के बराबर हो सकता है।
अरे भाई मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो का आंसर क्या आता है, एक्स बराबर जीरो आता है ना, ये तो जानते हो ना। अब अगर कभी मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है, उसका सोल्यूशन क्या देते हो, एक्स बराबर जीरो, क्योंकि मॉड एक्स जीरो से कम तो हो नहीं सकता, मॉड एक्स सिर्फ बराबर जीरो हो सकता है। भाई मॉड एक्स का नेचर क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा होना नेचर है, और लिखा हुआ है मॉड एक्स जीरो या जीरो से कम, तो जीरो से कम तो पॉसिबल नहीं है, जीरो के बराबर ले सकते हैं, जीरो के मॉड एक्स बराबर जीरो ले लिया तो मॉड एक्स बराबर, भाई मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो में मॉड एक्स लेस देन जीरो जो लिखा है वो तो हो ही नहीं सकता, तो मॉड एक्स बराबर जीरो ही पॉसिबल है, और मॉड एक्स बराबर जीरो कब होगा, एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही आता, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ क्या आएगा, एफ वन का होल, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एफ वन बराबर कितना आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब एफ वन बराबर जीरो हो जाए। भाई अरे किसी भी चीज का मॉड जीरो से कम तो हो नहीं सकता, जीरो के बराबर हो सकता है, तो भाई ये तभी पॉसिबल है जब एफ वन की वैल्यू जीरो, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो का मतलब है एक्स बराबर जीरो तभी हो सकता है, तो जैसे हो सकता वैसे ये इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है तो भाई इक्वल टू जीरो ही हो सकता है, तो एफ वन की वैल्यू सिर्फ जीरो ले सकते हो और इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते, इसके अलावा कुछ लोगे तो वो तो बढ़ जाएगा आगे, जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो एफ वन की वैल्यू पक्का जीरो के बराबर ही ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ लेना अलाउड नहीं है। तो जब f1 जीरो है बच्चों, तो फिर हम इसमें से जीरो घटा दें, इसको घटा दें, किसी का क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा है, किसी का कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, f1 के लिए जब जीरो है तो माइनस f0, भाई माइनस जीरो कर दिया, जब f1 के लिए जीरो ही है तो इसमें से f1 घटा दिया, अच्छा f1 प्लस h और f1 आ गया, अब h नीचे आना है, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ h से डिवाइड कर दो, और चूंकि एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए एच मॉड के अंदर भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर दो भाई, अगर वो सही था तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, किससे, एच से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम दोनों तरफ एच को बहुत छोटा कर देंगे, लिमिट एच टेनिंग टू जीरो कर देंगे, ठीक है। एफ ऑफ, वैसे तुम लोग को आइडिया तो लग ही चुका है कि आंसर क्या आएगा, है कि नहीं, तुम लोग तो इतने समझदार हो, समझदार हो ना, वेरी गुड, जो कह दे कि हम समझदार हैं तो समझ लो कि वो समझदार एकदम नहीं है। देखो जो कह दे मैं बहुत बड़ा हूं तो मतलब वो बहुत छोटा है, जो कह दे मैं बहुत समझदार हूं इस दुनिया में वो बहुत बड़ा मूर्ख है, ठीक है। जो अपने को जितना बड़ा समझता है वास्तव में उतना छोटा बन जाता है। ज्ञान का लक्ष्य ये है, ज्ञान का एम क्या है, ये जानना कि तुम कितने छोटे हो, ठीक है। अगर बहुत समझदार हो गए हो तो ये जानते रहो कि हम बहुत छोटे हैं, ठीक है। चलो बीच बीच में तुम लोगों को ये सब बातें बताता रहता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी जानते रहा करो, है ना। और जिसको थोड़ा सा ज्ञान आ गया और अपने आप को बड़ा समझने लगा तो वो समझ लो बर्बाद होने में देर नहीं है फिर, ठीक है। उसके अंदर घमंड आ जाएगा, लालच आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखो लिमिट एस टेंड टू जीरो, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन, दोनों तरफ से डिवाइड करो। एच को बहुत छोटा मान लिया हमने, मान लिया कि एच बहुत छोटा है, क्योंकि बेटा एच को जब छोटा मानोगे तभी तो ये एफ डैश बनेगा, और ये ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच पर लिमिट लगाओ। और सुनो लिमिट एक इन्फॉर्मेशन है जिसको मॉड रोक नहीं सकता, मॉड के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, ठीक है। तो ये वन आने वाला है, अरे लॉग ई आएगा ना, लॉग ई कितना होगा, वन होगा, एल एन ई वन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यहां से आ गया कितना, मॉड एफ डैश वन इज लेस देन इक्वल टू वन, यहां से ये आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। समझ में आ गई बस बच्चों, तो ये वाला हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा, ये एफ डैश वन बन गया, वो वन बन गया, मॉड वन वन ही होता है, ठीक है। तो वन एफ डैश वन का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इसीलिए मैंने इसको कराने के लिए सोचा, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अगर मान लीजिए एग्जाम में कुछ और भी यहाँ पर कुछ और लिख करके आता है, यहाँ पे टू हो जाए, कुछ और हो जाए, तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि अगर मॉड का यूज़ हुआ है और कुछ डिफ्रेंसिएशन जैसा कुछ करना पड़ जा रहा है तो ठीक है, पहले आप लोग कुछ और करिएगा, मगर मैं मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो है आपको फिर फर्स्ट प्रिंसिपल में जाना चाहिए। तो आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में जाने में देर मत लगाना, थोड़ा देखना दो चार पाँच सेकेंड 15 सेकेंड, मगर तुरंत फिर फर्स्ट प्रिंसिपल में घुस जाओ, और फिर उसके बाद तुम देख पाओगे कि मॉडुलस आपको रोक नहीं पा रहा है, फिर आसानी से आप सब कुछ करके निकल आओगे और डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।